मिस्टर राहुल व्यास मेरे मेहमान हैं और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मिस्टर राहुल व्यास हाउस अरेस्ट पर हैं। आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं मिस्टर व्यास? मैं राहुल को वापस आप ही की बात रखने के लिए लाई हूं। हाँ सुरभि, तुम मिस्टर व्यास से अपने पति की रिहाई ही मांगने वाली थी ना? हाँ नरेन, इस बार राहुल को कहीं दूर मत भेजना। लेट लतीफी की आपकी आदत कहीं नहीं। पुरानी आदतें इतनी आसानी से छूटती कहाँ है मिस्टर व्यास, पर फिर भी जो आपको नापसंद वो खता हम फिर से कभी दोहराएंगे नहीं। बस एक बार मेरी बातों को सफाई देने का मौका दे दीजिए। आपके किसी खता को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। पर मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। लेट लतीफी की आपकी आदत कहीं नहीं। पुरानी आदतें इतनी आसानी से छूटती कहाँ है मिस्टर व्यास, पर फिर भी जो आपको नापसंद वो खता हम फिर से कभी दोहराएंगे नहीं। बस एक बार मेरी बातों को सफाई देने का मौका दे दीजिए। आपके किसी खता को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। पर मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। पता नहीं नरेन इस वक्त कहां होंगे। क्या हुआ पूजा, चेहरे पे से चेहरा उतर गया? सफाई देने भाग रही हो? कैसे दोगी सफाई, रोके लड़के या चिल्ला के? मैं रोऊं लड़ूं या चिल्लाऊं उससे तुम्हें क्या? अच्छी तरह जानती हूं कि वो मेल मिस्टर कपूर को तुमने ही भेजा था। तुमने मेरा पति लौटाया और मैंने तुम्हारा, भले ही वो नकली ही सही। उनसे तो मुंह लगना ही बेकार है सुरभि। अगर समझती कि सच्चा प्यार क्या होता है तो कभी ऐसा कुछ करती ही नहीं। नरेन, आराम से बैठ के पियो बेटा, कहीं गले में अटक ना जाए। कुपा जी, पूजा नाम की हड्डी तो पहले ही गले में अटकी हुई है। पता नहीं नरेन को कमरे में क्या पट्टी पढ़ा रही होगी। अगर नरेन ने उसकी बात पर यकीन कर लिया तो मैं और आप इस इंग्लिश वाइन की जगह जेल में तांबे के बर्तन में पानी पी रहे होंगे। ओह माय गॉड, मेरी डॉटर इन लॉ को डर भी लगता है? क्या हुआ स्वीट हार्ट, कल तक तो तुम सातवें आसमान पर उड़ान उड़ रही थी और आज डरे जमीन पर? आई थिंक तुम्हें किसी टैरो कार्ड रीडर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारा समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ चाहिए आपको? मुझे मांगने की नौबत तो अब तुम्हारी आ गई है माय ड्यूरेस्ट डॉटर इन लॉ। एनीवेज, मुद्दे पर आती हूँ। जिससे तुम आज तक दुर्दुराती आई हो वही आज तुम दोनों के लिए फरिश्ता बनकर आया है। उसी ने पूजा की सारी सच्चाई खोज निकाली है। सो आर यू रेडी टू वेलकम हिम? रोज रोज घाव जलाने से अच्छा मुझे एक ही बार में राख कर दो। एक काम तो हौसले से कर ही लो। अब जेल की बोरियत दूर करने के लिए भाई की जासूसी से बेहतर काम और क्या हो सकता है? साल भर भाई को तोड़ने के अलग अलग रास्ते ढूंढते रहा और इस सब के बीच पूजा जी आपकी असलियत सामने आ गई, तो इसमें मेरा क्या कसूर? सॉरी भाभी जी, आई मीन पुरानी भाभी जी, अब आपके नरेन बाबू के सामने कभी सच साबित नहीं हो पाएगा।
बहने दीजिए ना आंसुओं को, है तो नकली। कभी किसी को जिंदा मारती है तो कभी किसी को एक्सीडेंट के जरिए। जान लेना तो आपकी आपकी हॉबी बन गई, राइट? कुछ ढूंढ रहे हो नरेन? नरेन बाबू, कब तक अपने जख्मों पर ये नशे का मरहम लगाते रहेंगे आप? कहां जाओगे नरेन? घर के कोने कोने से हमने तुम्हारी इस कमजोरी को आज धुआं कर दिया है। मेरी जिंदगी पर अपनी हुकूमत की आपकी पुरानी आदत गई नहीं मिस्टर व्यास। तो क्या चाहते हो मुझसे? क्या करूं मैं, अपने बेटे को खुद पर जुल्म करने दूं, उसे तबाह होते हुए देखता रहूं, एक गलतफहमी की आग में उसे खुद को जलाते रहने दूं? सच्चाई से कब तक भागते रहोगे नरेन? ये दिन तो हमें भी याद रहेगा, बस एक बार आपसे ही पूरा सच सुन। डोंट वरी हुजूर, जो सही होगा मैं वही बताऊं। किसी के सच्चे प्यार का मजाक उड़ाने वाली लड़की का दिल इतना घटिया, मैं क्या हूं पता नहीं, पर आप दोनों बेवकूफ हो। आप दोनों ने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ए फुगी, अभी तो मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें इतना मिस करो और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं बाद में बात करती हूँ। अरे अभी बात करो, बताओ इन 24 घंटों में तुमने किया क्या? मुझे तो मिस किया ही होगा, रात को सोई या सपनों में खोई रही? सपना तो देखा ही होगा, सपने में क्या देखा तुमने? मतलब हम लड़ रहे या रोमांस कर रहे? देखिए मैं तुम्हें, एक काम करना, मेरे पीछे रहना, ओके? एक मिनट, तुम्हारे पीछे? मुझे तो लगा हम दोनों शालिन के पीछे। व्हाटएवर, बस पकड़ी मत जाना यार, ओके? चलो अब चले, और हाँ उसे बगैर में फाइट मत करना। कम सुनो, आज ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। देखो वो रिकॉर्डिंग हमें आज ही शाम को करवा चौथ की पूजा में चलानी है। दिन ढल रहा है, हमारे पास कोई टाइम नहीं बचा। अब हमारे पास शाम तक का वक्त है, इसका मतलब शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जल्दी मिल जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुना करो। क्या हुआ, अब वहां क्यों देख रहा हूँ? जज को कौन है? Are you okay? जगह बना लिया ना गोलगप्पे खाने के लिए? मैं तो वहां जाके पूरे के पूरे 100 गोलगप्पे खाऊंगा। 100 गोलगप्पे? तो सुबह पोटी में ना गोलगप्पे निकलेंगे 100 के 100। आप भी चलिए ना, बनवारी जी भी आ रहे हैं, आप खामा खा घर पे अकेले क्या करें? नहीं आओ ना, वहां माँ चलो ना, घर में बहुत मजा आता है।